हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वोगली पेवर से लिंक करने से पहले ऑपरेटिंग पैनल में आपको क्या क्या सेटिंग चेक करना चाहिए ताकि लिंक करते समय कोई समस्या ना आए। इस वीडियो में बहुत कुछ नया है जानने के लिए, तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग पैनल में सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले के बारे में देखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ये F1 बटन दबा के देख लेंगे। इसमें जो F2 पे और F3 पे जो फंक्शन है ये ऑन है और ये ऑन ही होना चाहिए अधिकतर समय। F2 पे जो फंक्शन है स्क्रीड फ्लोट का ऑप्शन है ये ऑन है और F3 पे जो फंक्शन है ये स्क्रीड और ऑगर को एक साथ उठाने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लिंक कर रहे हैं, उसके लिए लिंक से जैसे आप स्क्रीड को उठाएंगे तो उसके साथ साथ ऑगर भी हाइट पे जाने लगे, तो ये दोनों फंक्शन ऑन होना चाहिए। F4 का जो फंक्शन है ये नॉट इन यूज है, इसलिए क्रॉस दिखा रहा है। और F6 और F8 पे जो फंक्शन है ये स्क्रीड असिस्ट को जब ऑन करेंगे उस समय इसको यूज में लिया जाता है। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे जिसमें स्क्रीड असिस्ट के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद एस्केप बटन दबा के बाहर आ जाएंगे और उसके बाद अभी टेम्पर का सेटिंग देख लेते हैं। तो टेम्पर तो नॉर्मली या तो मैनुअल आप इसको चला सकते हैं F2 दबा के, या तो ऑटो में आप इसको F4 में दबा के चला सकते हैं। लेइंग के समय F4 दबा के आप ऑटो में रखेंगे इसको। और ये F6 पे जो आपको टेम्पर परसेंट दिख रहा है उसको आप यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं एरो बटन का यूज करके। और इसको कितना परसेंट पे सेट करना है तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में हम लोग बात किए हुए हैं कि अलग अलग मटेरियल के लिए कितना थिकनेस होने से कितना परसेंट टेम्पर सेट करना चाहिए। उसके बाद आप एस्केप बटन दबा के बाहर आ जाएंगे। फिर ये F4 में जो वाइब्रेटर बटन दिख रहा है वाइब्रेटर फंक्शन को भी देख लेंगे। तो सेम वही टेम्पर वाला ही प्रोसेस है, F4 से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और F2 से आप मैनुअल ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेम टेम्पर के जैसे वाइब्रेटर का भी सेटिंग के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोग बात किए हुए हैं कि कितना परसेंट पे सेट करना चाहिए टेम्पर और वाइब्रेटर। इसके बाद स्किप दबा के बाहर आ जाएंगे और फिर ये F3 पे जो कन्वेयर सेटिंग दिख रहा है आप इसको आप यहाँ F5 या F6 दबा के साइड का कन्वेयर का स्पीड बढ़ाया घटा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। फिर स्किप दबा के बाहर आ जाएंगे और ये फिर ऑगर का यहाँ से हाइट आप अप या डाउन कर सकते हैं या यहाँ से ऑगर को रिवर्स घुमा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। फिर एरो बटन दबा के दूसरे पेज में आ जाएंगे। सबसे पहले F1 पे जो फंक्शन है ये देख लेते हैं, ये इंजन RPM ऑटो या मैनुअल का है। F2 पे जो फंक्शन दिख रहा है ये इंजन RPM ऑटो है, मतलब जब आप कोई फंक्शन यूज करेंगे तो इंजन RPM बढ़ेगा और जैसे ही आप कोई फंक्शन यूज नहीं कर रहे होंगे तो इंजन RPM आइडल पे चला जाएगा। F4 पे जो फंक्शन दिख रहा है ये इको प्लस का है, इसको आप ऑन ही रखेंगे। एस्केप बटन दबा के फिर बाहर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ जो F2 पे फंक्शन दिख रहा है ये सभी ऑटो सेट प्लस का सिस्टम है। इसके बारे में हम लोग कभी किसी अलग वीडियो में बात करेंगे जिसमें डिटेल में जानेंगे ऑटो सेट प्लस कब कैसे यूज किया जाता है। फिर एस्केप बटन दबा के बाहर आ जाएंगे। फिर F3 बटन दबाकर स्क्रीन रीडिंग के बारे में देख लेंगे। नॉर्मली DBM या BC के लिए आप 120 से 150 के बीच में टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। फिर F2 और F4 बटन, ये दोनों का जो फंक्शन है इसको आप ऑन रखेंगे। F2 का जो फंक्शन है स्क्रीन रीडिंग के लोड बैलेंस का फंक्शन है, ये ऑन रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही F4 का जो फंक्शन है ये ऑन रहने से ये फायदा रहेगा कि जितना आपने टेम्परेचर सेट किया उतना टेम्परेचर पहुंचने के बाद फिर वापस स्क्रीन रीडिंग बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही उसे टेम्परेचर डाउन होगा फिर ऑटो स्क्रीन रीडिंग ऑन हो जाएगा। अभी उसके बाद फिर ये सेटिंग F7 दबा के सेटिंग पेज में एक बार जाके देख लेंगे। सेटिंग में सबसे पहले F2 दबाकर कन्वेयर सेटिंग के बारे में देख लेंगे। यहाँ पे ये देखना है कि कन्वेयर ऑटो होना चाहिए, लेफ्ट राइट दोनों का F7 और F8 पे जो ऑन है ये ऑन होना चाहिए, मतलब कन्वेयर आपका ऑटो पे सेट है। फिर स्किप दबा के अपना ये F4 दबा के फिर अगर आप ऑगर सेंसर यूज कर रहे हैं तो F8 और F7 ऑन होना चाहिए। अगर आप ऑगर सेंसर यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, फिर F6 बटन दबाकर ट्रैक सेंसर सेटिंग के बारे में देख लेंगे। तो ये जो F2 और F4 का जो सेटिंग है दोनों ऑफ होना चाहिए। ये F2 का जो सेटिंग है ट्रैक मैनुअल सेटिंग है, मतलब इसको ऑन करने से ट्रैक मैनुअल ऑन हो जाता है, मतलब ट्रैक सेंसर काम नहीं करेगा। इसके लिए इसको ऑफ रखना चाहिए ताकि ट्रैक सेंसर प्रॉपर काम कर सके और लिंक समय स्टेयरिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर F7 बटन दबाकर मशीन के एरर मैसेज के बारे में देख लेंगे कि कोई क्रिटिकल मैसेज ना आया हो जिससे लिंक के समय कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, डिस्प्ले के इन सभी सेटिंग को देखने के बाद हम लोग पैनल के कुछ और सेटिंग के बारे में देखेंगे जो लिंक से पहले आपको ध्यान देना चाहिए। पैनल सेटिंग की बात करें तो सबसे पहले ऑगर हाइट के बारे में देखेंगे। उसके लिए ये बटन दबाकर ऑगर का रिक्वायर्ड हाइट सेट कर लेंगे। ऑगर हाइट सेट करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जितना सेंटी का थिकनेस आप लिंक कर रहे हैं उससे 5 सेंटी ज़्यादा हाइट पर ऑगर सेट करेंगे। उसके बाद मशीन को लिंक मोड में डालकर ऑगर और कन्वेयर ऑटो मोड में सेट कर लेंगे। इसके साथ ही फाइन स्टेयरिंग सेंटर में है या नहीं ये भी देख लेंगे। फिर अगर ज़रूरत ना हो तो स्क्रीड असिस्ट को ऑफ रखेंगे और आखिरी में मटेरियल डिफ्लेक्टर को डाउन कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।